हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफिकल है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉइल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। आईसीसी क्लास 10 ज्योग्राफी की सीरीज़ है और पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने इंडिया का फिजिकल डिविजन्स और इंडिया के क्लाइमेट के बारे में डिस्कस किया था। जैसे क्लाइमेट में हम लोगों ने पढ़ा था, पहले क्लाइमेट का चैप्टर, फिर गिव रीजंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग ऐसे सॉइल में पढ़ेंगे। पहले सॉइल के पार्ट्स में हमारा आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल्स इन इंडिया। नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन, और उसके बाद एक चैप्टर वीडियो होगा जिसमें हम गिव रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बिकॉज जो हमारा ज्योग्राफी का पेपर है क्लास 10 ज्योग्राफी आईसीसी बोर्ड का, उसमें गिव रीजन से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और हर चैप्टर में गिव रीजन से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक, सो ये हमने सोचा है कि हर चैप्टर का एक डेडिकेटेड वीडियो जिसमें हम उसे गिव रीजन डिस्कस करेंगे वो बनाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉइल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। इंट्रोडक्शन, बहुत ही ब्रीफ में इंट्रोडक्शन करूँगा कि सॉइल क्या होती है, कैसे बनती है, बिकॉज ये हमारे कोर्स में नहीं है लेकिन आपको पता होनी चाहिए। तो व्हाट इज सॉइल? सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ, सॉइल इज अ थिन लेयर ऑफ लूज मिक्सचर ऑफ स्मॉल रॉक पार्टिकल्स एंड रोटिंग ऑर्गेनिक मैटर। ठीक, दैट कवर्स मच ऑफ वर्ल्ड्स लैंड सरफेस। ठीक है, तो सॉइल क्या है? सॉइल एक पतली सी लेयर है, इट इज़ अ थिन लेयर। किस चीज़ की लेयर? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ स्मॉल रॉक पार्टिकल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर जो कि सड़ रहा है। ठीक है, तो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर अलॉन्ग विद स्मॉल सॉइल स्मॉल रॉक पार्टिकल्स की जो थिन लेयर है उसी को हम लोग सॉइल बोलते हैं। वेरियस फोर्सेज ऑफ नेचर सच एज चेंजिंग टेम्परेचर, रनिंग वाटर, विंड अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। बहुत सारे प्रोसेस ऐसे होते हैं जो सॉइल के फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक, दीज फोर्सेज ऑफ नेचर अलॉन्ग विद केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस दैट टेक प्लेस इन सॉइल कंट्रीब्यूट टू द एवोल्यूशन ऑफ सॉइल। तो सॉइल कैसे बनती है, कुछ शब्दों में अगर ये बोला जाए तो फोर्सेज ऑफ नेचर प्लस जो सॉइल के अंदर फोर्सेज चल रहे हैं जैसे कि केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस, ठीक, जो कि दे आर टेकिंग प्लेस इन द सॉइल, दे कॉन्ट्रीब्यूट इन द एवोल्यूशन ऑफ सॉइल। ठीक, दस सॉइल इट्सेल्फ हैज इवॉल्व्ड ओवर अ मिलियन ऑफ ईयर्स अगो। ठीक है, हज़ारों करोड़ों साल पहले सॉइल का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था और अभी तक की प्रोसेस में है। ठीक है, सो सॉइल में क्या क्या होता है? व्हाट डू वी हैव इन सॉइल? डिकम्पोज वेजिटल एंड एनिमल रिमेन्स, हम लोगों ने भी पढ़ा रॉटिंग ऑर्गेनिक मैटर में कि जो डिकम्पोज वेजिटल पार्ट्स हैं और एनिमल रिमेन्स हैं वो होते हैं, प्लस ह्यूमस इज अ इम्पॉर्टेंट रेफर टू एज ह्यूमस, मतलब ये जो डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है यही क्या होता है? ह्यूमस होता है। ठीक है, दिस डेड एंड डिकेइंग मैटर इज नोन एज ह्यूमस। ठीक, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है सॉइल का बिकॉज इट एड्स द फर्टिलिटी टू द सॉइल। अगर सॉइल फर्टाइल है तो वो किसकी वजह से होगी? ह्यूमस की वजह से। ठीक, बिसाइड्स ह्यूमस सिलिका क्ले एंड सैंड आर अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल। ओके, लोकेशन के हिसाब से सॉइल दो टाइप की हो सकती है, ये हम लोग अभी आगे वर्ड यूज़ करेंगे। तो पहला है रेसिडुअल सॉइल और सेडिमेंट्री सॉइल और इन सिटू सॉइल। ठीक, ये वो सॉइल होती हैं जो अपनी प्लेस ऑफ ओरिजिन पर ही पाई जाती है। ठीक, मान लो एक पर्टिकुलर जगह है, ठीक, यहाँ पर एक वॉल्केनो इरप्ट हुआ, यहाँ पर लावा जम गया। ठीक, जब लावा जम गया उसके बाद जब लावा सॉलिडिफाई हो गया फिर यहाँ पर डिफरेंट वेदरिंग के प्रोसेसेस हुए, डिफरेंट इरोजन हुआ और जिसकी वजह से ये जो रॉक्स थे ये यहीं पर सॉइल में कन्वर्ट हो गए। ठीक, मतलब जहाँ पर ये इसका पेरेंट मटेरियल था, ठीक है, जहाँ पर ओरिजिन था हुआ है, जिस दो प्लेस ऑफ ओरिजिन है वहीं पर सॉइल पाई जाती है। ठीक, यहाँ पर लावा आया था, यहाँ पर वो इरोड हुआ, वेदर्ड हुआ और यहीं पर उसी जगह पर सॉइल पे कन्वर्ट हो गया, दैट इज़ नोन एज इन सिटू सॉइल और सेडिमेंट्री सॉइल और रेसिडुअल सॉइल। ठीक, नेक्स्ट इज़ ट्रांसपोर्टेड और एक्स सिटू सॉइल। ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल वो होती है कि ऐसी सॉइल जो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पहाड़ है, यहाँ पर पहाड़ों की चट्टान है, अब यहाँ पर नदियाँ आ रही हैं, अब ये नदियाँ इन पहाड़ों को काटेंगी और साथ ही में ये जो सिल्ट होगा, जो कटा हुआ वेदर्ड मटेरियल्स होंगे, ये इरोडेड मटेरियल्स होंगे, बिकॉज नदियाँ बहुत तेज़ बह रही होंगी तो ये अपने साथ इनको लेके चली जाएंगी और जब नदियों की स्पीड स्लो होगी तब वो इनको यहाँ पर अपनी जगह पर डिपॉजिट कर देंगी। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है, जहाँ पर ये सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है वहीं पर ये सॉइल नहीं पाई जा रही है, कहीं और पाई जा रही है, तो मतलब ट्रांसपोर्ट होके बन रही है, तो इट इज़ नोन एज ट्रांसपोर्टेड सॉइल और एक्स सिटू सॉइल। गॉट इट? इन सिटू मतलब प्लेस ऑफ ओरिजिन में पाया जाना, एक्स सिटू मतलब प्लेस ऑफ ओरिजिन पर नहीं पाया जाना, कहीं और पाया जाना।
फार फ्रॉम द प्लेस ऑफ ओरिजिन। मुझे समझ लगता है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज इंडिया में बेसिकली है तो और भी टाइप की सॉइल, लेकिन हम लोग को बेसिकली चार टाइप की सॉइल्स पढ़नी है, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल एंड लेटराइट सॉइल। ठीक है, माउंटेन सॉइल हम लोग के कोर्स में नहीं है। ओके, तो एलुवियल सॉइल जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय रिवर्स आर केमिकल एंड केमिकली वेरी रिच। ठीक, जो कि रिवर्स सेडिमेंट्स लेके आती हैं, ठीक, उनके द्वारा बनने वाली सॉइल्स को हम लोग एलुवियल सॉइल्स बोलते हैं। द रिवर्स डिपॉजिट फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल कॉल्ड एलुवियम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, जो मैंने आपको ये बताया था कि मान लीजिए एक पहाड़ है, यहाँ पर चट्टाने हैं, रॉक्स हैं और नदियाँ इन पर चट्टानों पर इरोजन कर रही हैं। ठीक, और अब ये जो इरोजन करेंगी तो अपने साथ साथ जो इरोड करेंगी वो मटेरियल्स भी तो अब साथ ही लेके आएंगे, बिकॉज यहाँ पर इतनी तेज़ स्पीड है रिवर्स की कि जो इनके साथ में आएगा वो उसको लेके चली जाएंगी। सो यहाँ पर अगर इन रिवर्स को मतलब इन ये रिवर्स जो हैं सेडिमेंट्स लेके आएंगे अपने साथ, जो इन्होंने इरोड किया उसको लेके आएंगे, तो इस इरोडेड मटेरियल्स को ठीक हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स। व्हाट डू वी नो एज सेडिमेंट्स। ठीक है, सेडिमेंट्स को लेके आएंगी। और द रिवर डिपॉजिट वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल कॉल एलुवियम सेडिमेंट, या इसको हम लोग एलुवियम भी बोलते हैं, बिकॉज ये वेरी फर्टाइल होता है, इट इज़ वेरी फर्टाइल। ठीक, इन देयर प्लेन्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर लॉन्ग जर्नी। अब मान लीजिए गंगा रिवर की अगर हम लोग बात कर लें तो इतना लॉन्ग जर्नी होता है गंगा का, तो बेसिकली अब मैं आपको बहुत ही बीच में बताऊँगा, एक रिवर की तीन स्टेजेस होती हैं। ठीक, ये जो हमारी होती है पहली यूथ स्टेज, फिर होती है हमारी मैच्योर स्टेज, फिर होती है हमारी ओल्ड स्टेज। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर रिवर जो है पहाड़ से, यहाँ पर कोई ग्लेशियर है, यहाँ से ओरिजिनेट कर रही है और ये पहाड़ों से नीचे आ रही है, तो ये हो जाएगी इसकी यंग स्टेज। ठीक, क्यों? बिकॉज ये बहुत यंग है, इसके अंदर बहुत एनर्जी है अभी, अपने साथ जो भी पार्टिकल्स मिलता है इसके पास ये लेके चली आती है, रॉक्स हों, बोल्डर्स हों, कोबल्स हों, पेबल्स हों, सबको अपने साथ लेके चली आती है। फिर जैसे ही ये थोड़ा प्लेन एरिया पे पहुँचती है, ये थोड़ी मैच्योर स्टेज में आ जाती है, तो नंबर ऑफ रिवर टेरेसेस और मीएंडर्स का फॉर्मेशन करती है, बिकॉज यहाँ पर रिवर्स की स्पीड कंपैरेटिवली कम हो गई है। ठीक, अब रिवर्स के अंदर इतनी कैरिंग कैपेसिटी नहीं है कि जो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आए हैं उनको अपने साथ ले सकें, तो क्या करेंगे, धीरे धीरे यहाँ पर डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देंगे। और फिर फाइनली जब ओल्ड स्टेज आएगी, जब रिवर पहुँचने वाली होगी सी के पास, तो वहाँ पर लैंड इतना लो लेवल लैंड हो जाता है कि एकदम बिल्कुल पॉसिबल नहीं है रिवर के पास कि जो सेडिमेंट्स हैं उनको आगे और ले जाएं। ठीक है, तो वहाँ पर वो क्या करेंगे, डेल्टा फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम देखे जाएँ तो ये जो मिडिल स्टेज है या जो हमारी मैच्योर स्टेज है, इन एरियाज़ में हम लोगों को एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है, मैच्योर में और ओल्ड में। ठीक है, ओके, समझ में आ गया होगा। सो लॉन्ग जर्नी के टाइम जो डिपोजिशन करती हैं रिवर्स, उन्हीं एलुवियम का डिपोजिशन करती हैं, इस वजह से उनको हम लोग एलुवियल सॉइल बोलते हैं। इनको हम लोग रिवरीन सॉइल ही बोलते हैं। व्हाई डू वी कॉल्ड रिवरीन सॉइल, बिकॉज ये ज़्यादातर रिवर बेसिन्स में पाई जाती है, जहाँ जहाँ रिवर्स होंगी ज़्यादातर वहाँ पाई जाती है। और साथ ही साथ दूसरी पॉइंट ये, बिकॉज ये रिवर्स द्वारा ट्रांसपोर्टेड है, रिवर्स द्वारा बनाई गई है। ठीक, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट कॉल्ड लोम। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे फर्टाइल सॉइल कौन सी होती है, लोमी सॉइल। लोम इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड प्लस क्ले एंड सिल्ट। ओके, एक चीज़ और, एलुवियल सॉइल को हम लोग ट्रांसपोर्टेड सॉइल ही बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ठीक, क्यों? बिकॉज ये जो है ट्रांसपोर्टेड सॉइल या एक्सीटू सॉइल भी है, बिकॉज ये सॉइल जो है ये अपनी प्लेस ऑफ ऑरिजिन में पाई नहीं जाती है, इट इज़ ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। गॉट इट, दीज रिवर्स। अच्छा, एलुवियल सॉइल्स इन इंडिया की बात करें, इंडिया में तीन मेजर रिवर सिस्टम जो है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन तीनों रिवर सिस्टम, इनकी रिवर्स और इनकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा बनाए गए एलुवियल सॉइल्स हैं। ठीक, 40% ऑफ टोटल लैंड एरिया इंडिया का ये कवर करती है, एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड अप ऑफ दीज सॉइल्स। गॉट इट। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हर सॉइल के पोर्शन में आपको तीन चार चीज़ें पढ़नी है। पहला कि वो सॉइल कैसे बनी है, ठीक, दूसरा प्लेस कहाँ पाई जाती है, ठीक, तीसरा प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स, और चौथा क्रॉप्स। ये चार हेडिंग आपको हर सॉइल में पढ़नी है। ठीक, तो कैसे बनती है ये तो हमने बता दिया आपको, प्लेस अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, क्रॉप भी आगे डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के ये नॉर्दर्न प्लेन्स, एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स में पाई जाती है। ठीक, और ये सॉइल जो है नॉर्दर्न प्लेन्स के अलावा कोस्टल प्लेन्स में भी पाई
जाती है, हम लोगों ने डिस्कस किया था जब हम लोग फिजियोग्राफी पढ़ रहे थे, स्पेशली नियर डेल्टाज ऑफ महानदी गोदावरी एंड कृष्णा एंड कावेरी, जो साउथ इंडियन की ये रिवर्स हैं, बड़ी बड़ी रिवर्स, इनके डेल्टा के अलॉन्ग ये एलुवियल सॉइल पाई जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ एज एलुवियल सॉइल कैन बी ऑफ खादर एंड बांगर टाइप्स। ठीक है, बहुत ही कन्फ्यूजिंग रहता है बच्चों के लिए, कैसे याद करें खादर और बांगर, कौन सा खादर है कौन सा बांगर है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, खादर और बांगर या बांगर और खादर, ये हिंदी टर्म्स हैं। ठीक, अब ये एक्चुअली जो सॉइल की एज के हिसाब से, या हम बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज के हिसाब से, जो सॉइल का एलुवियल सॉइल का क्लासिफिकेशन, दैट इज खादर एंड बांगर। ठीक, अब इसको कैसे याद करना है, क्या है ये, तो ये बहुत ही बार पूछा गया है क्वेश्चन और लगभग हर साल पूछा जाता है भांगर और खादर का डिफरेंस, एवरी टाइम इट इज़ आस्क्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ओल्डर एल्यूवियम जो है दैट इज़ भांगर सॉइल, यंगर एल्यूवियम इज़ खादर सॉइल। एक्चुअली भागर खादर के अलावा एक भाबर और तराई भी होता है, लेकिन वो आपको नहीं पढ़ना है। तो अगर भाबर तराई की बात करें, जैसे हम लोग रिवर्स की फिर से बात करते हैं, ठीक है, अब मान लीजिए ये रिवर जा रही है, ठीक है, अब अगर पहाड़ वाला हिस्सा छोड़ दें तो इसमें भी चार हिस्से हो सकते हैं, ठीक, जिसको हम भाबर, तराई और भांगर और खादर बोलते हैं। ठीक, अब बेसिकली क्या होता है, आपको कैसे याद रखना है, तो आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि भांगर पहले आता है और खादर बाद में आता है। कैसे याद रखेंगे, जो भांगर है उसे वो किससे स्टार्ट होता है, बी से स्टार्ट होता है, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आता है, तो इसका मतलब भांगर पहले आएगा और खादर बाद में आएगा। अब नया कौन सा है पुराना कौन सा है वो कैसे याद करना है, देखिए मान लीजिए यहाँ से कोई नदी आ रही है, ठीक, अब नदी के अंदर क्या होंगे, सेडिमेंट्स होंगे, और नंबर ऑफ सेडिमेंट्स होंगे, हर साइज़ के सेडिमेंट्स होंगे, बड़े बड़े पत्थर भी होंगे, छोटे छोटे पत्थर भी होंगे, छोटी छोटी सिल्ट भी होगी। ठीक, तो क्या होगा, जब यहाँ से नदी जाएगी तो जो बड़े बड़े पत्थर होंगे वो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे भाबर एरिया में, फिर जो छोटे छोटे पत्थर होंगे वो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे तेराई में, फिर और छोटे जो पत्थर होंगे सिल्ट होगी वो यहाँ डिपॉजिट हो जाएगी, और फिर बहुत ही फाइनर सिल्ट जो होगी वो यहाँ डिपॉजिट हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज जैसे नदी आगे बढ़ेगी इसकी कैरिंग कैपेसिटी जो होती है नदी की, कितना वो मटेरियल कैरी कर सकती है, वो डिक्रीज होगी। ठीक, बिकॉज और दूसरी बात स्पीड भी डिक्रीज होगी। ठीक, तो जब स्पीड डिक्रीज होगी तो अपने साथ जो वो सामान उठा के ले जा रही है वो उसको छोड़ना गिराना स्टार्ट कर देगी। तो सबसे पहले कौन सी चीज़ें गिरेंगे, भारी वाली चीज़ें, बिकॉज ये ज़्यादा भारी है ना, तो इनको तो फिर ये इन वाले पार्टिकल्स को तो फिर भी यहाँ तक ले जा सकती है, लेकिन इनको यहाँ तक नहीं ले जा सकती है। ठीक, जो भाबर के पेबल्स हैं या कोबल्स हैं इनको यहाँ तक नहीं, भांगर तक नहीं ले सकती, बिकॉज कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई, एनर्जी कम हो गई रिवर की। सो ये हम लोग अगर हटा दें तो भांगर और खादर में कैसे याद करना है कि ओल्डर एलुवियम लार्जेस्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक, ये ओल्डर एलुवियम होगी हमेशा, और ये न्यूयर एलुवियम होगी या यंगर एलुवियम होगी। वाई, बिकॉज हर साल क्या होगा, हर साल जो नदियाँ हैं वो जितना भी यहाँ पर क्या होगा, पहली बात तो खादर में क्या होगा कि जितने भी बचा हुआ सिल्ट होगा वो सब यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये हर साल होगा कि जितना भी सिल्ट बच रहा है नदी पे वो यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है आके, तो हर साल नया डिपॉजिशन हो रहा है। ठीक, तो आपको कैसे याद रखना है कि खादर पर हर साल नया एलुवियम डिपॉजिट होता है। ठीक, इसलिए दिट इज यंगर एलुवियम, बट दिस इज नॉट यंगर, दिस इज ओल्डर, यहाँ पर ज़्यादा डिपॉजिशन नहीं हो रहा है। ठीक, बट यहाँ पर हर साल जो नदियाँ सिल्ट लेके आ रही हैं वो सब डिपॉजिट कर दे रही हैं दोबारा से, मतलब पिछले साल अगर ये डिपॉजिशन हुआ था और फिर मानसून आया, फिर नदियाँ बढ़ी, फिर आके उसके ऊपर डिपॉजिट हो गया, फिर तो डिफरेंट लेयर्स ऑफ डिपॉजिशन हो रहा है एवरी ईयर, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज खादर और यंगर। ठीक, अब साइज़ के हिसाब से यहाँ पर फिर आप देखेंगे कि हाई कंसनट्रेशन ऑफ लाइम मॉड्यूल्स और कंकर मॉड्यूल्स। कंकर मॉड्यूल्स जो लाइम के मॉड्यूल्स होते हैं उनको हम नॉड्यूल्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंकर। ठीक, एंड कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसके अंदर यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर थोड़े बड़े पार्टिकल ज़्यादा होंगे। ठीक, कंकर विल बी मोर हेयर, वाई, बिकॉज यहाँ पर जो कंकर होंगे वो भारी होंगे तो वो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे। नेक्स्ट, न्यू एलुवियम में फाइनर सैंडी एंड लेस कंसनट्रेशन ऑफ कंकर, ऑब्वियसली यही मैंने आपको बताया अभी। ठीक, कि जब रिवर लास्ट स्टेज तक आएगी आएगी तब तक उसके अंदर जो बहुत महीन चीज़ें बची होंगी वहीं डिपॉजिट होंगी, बिकॉज भारी चीज़ें सब पहले डिपॉजिट हो चुकी होंगी। गॉट इट?
तो ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट, लेस फर्टाइल एज इट नॉट रिन्यूड फ्रिक्वेंटली, ये हर साल रिन्यू नहीं हो रही है, और अगर हो भी रही है तो कुछ कुछ जगह हो रही है, ठीक। बट यहाँ पर हर साल ये रिन्यूअल हो रहा है, यहाँ पर नई सॉइल हर साल आ रही है, तो इस वजह से ये मोर फर्टाइल है, ये लेस फर्टाइल, ठीक। तो आप समझ गए कैसे आपको याद करना है भांगर और खादर। बस आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि पहले भांगर आता है फिर खादर आता है, ठीक। कैसे याद रखेंगे, बिकॉज अल्फाबेटिकली बी पहले आता है तो इसका मतलब भांगर पहले आएगा देन खादर आएगा, ठीक है। बस यही याद रखना है, ठीक। उसके बाद फाउंड अवे फ्रॉम द रिवर्स एट हायर ग्राउंड लेवल, ठीक। रिवर्स एट द हायर ग्राउंड लेवल मतलब एज कम्पेयर टू ये दिस पोर्शन, ये तो हायर है, ठीक। देन फाउंड इन रिवर्स एलिंग डेल्टाज एंड फ्लड प्लेन्स, डेल्टा एंड फ्लड प्लेन्स जहाँ पर फ्लड्स आती हैं। नेक्स्ट, तीन चीज़ें और हैं यहाँ पर, इनलैंड एलुवियम, डेल्टाइक एलुवियम और कोस्टल एलुवियम। पूछते हैं कि इनलैंड और डेल्टाइक में क्या डिफरेंस है, तो इनलैंड एलुवियम जो होता है ऐसा एलुवियम, ऐसा सेडिमेंट डिपॉजिट्स जो कि प्लेन से पाया जाता है, मतलब लैंड के अंदर, जैसे इंडस प्लेन्स में, गंगा प्लेन्स में, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में, पंजाब से बांग्लादेश तक, ठीक। तो ये इनलैंड एलुवियम होता है, कौन कौन से स्टेट्स में पाया जाता है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। तो कोई भी दो से तीन स्टेट्स आपको याद रखने, और एलुवियल सॉइल तो मुझे लगता है आपको याद करने की जरूरत भी नहीं, आपको पता होगा कि पंजाब, हरियाणा, यूपी में सब यही पाया जाता है। नेक्स्ट इज डेल्टाइक एलुवियम, ये कहाँ पाया जाता है, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पे, महानदी के डेल्टा पे, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी डेल्टा। नेक्स्ट इज कोस्टल एलुवियम, कोस्टल एलुवियम कहाँ पाया जाता है, इट इज़ फाउंड अलॉन्ग द कोस्टल स्ट्रिप्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, ठीक। अब जैसे ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, ठीक, तो पेनिनसुलर इंडिया की ये जो कोस्ट है, इस ये कोस्ट के अलॉन्ग ये पाया जाता है, अलॉन्ग दिस कोस्ट, ठीक। तो दिस इज नोन एज डेल्टाइक एलुवियम, इट इज ऑफ टाइडल ओरिजिन, जो टाइड्स आती हैं उसके बेसिस पे एलुवियम डिपॉजिट होता है, ठीक है। सो अगर डिफरेंस आ गया इनलैंड और कोस्टल एलुवियम का, तो इट इज ऑफ टाइडल ओरिजिन, यहाँ पर डिपोजिशन होता है, ठीक, ओके। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलुवियल सॉइल, पहली बात इट इज लोमी, लोमी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्ले, सैंड और सिल्ट तीनों की कॉम्बिनेशन, तो मतलब ये बहुत ही फर्टाइल सॉइल होती है, इट इज वेरी फर्टाइल। कोअर्स एंड ड्राई एंड कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन अपर कोर्सेज ऑफ रिवर एंड गेट्स फाइनर एंड मॉइस्ट एज रिवर फ्लोज डाउन, यही चीज़ मैं इतनी देर से आपको यही समझा रहा हूँ कि जो रिवर्स के अपर कोर्सेज होंगे, अपर पार्ट्स होंगे, वहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे वो बड़े बड़े होंगे, ठीक, और ड्राई होंगे, ठीक। बट जो लोअर कोर्स होंगे जहाँ पर रिवर आगे जाएगी, तब वहाँ पर जैसे जैसे रिवर्स आगे बढ़ेगी तो पार्टिकल्स जो डिपॉजिट होंगे वो फाइनर होते जाएंगे, ठीक, और मॉइस्ट होते जाएंगे, ठीक। सो कुल मिला के आपको ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपर कोर्सेज में इट हैज़ कोर्स एंड ड्राई मैटर एंड लोअर कोर्स इट हैज़ फाइनर एंड मॉइस्ट पार्टिकल्स, रिच इन मिनरल्स स्पेशली इन पोटैश एंड लाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटैश और लाइम जैसे फर्टिलाइजर्स होते हैं, इनको अलग से डाला जाता है जब मी हो जाती है। पुअर इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस, नाइट्रोजन और ह्यूमस में पुअर होते हैं, ईजिली टेबल टेलेबल ड्यू टू पोरस नेचर, पोरस मतलब होता है पानी सीप करने में इनकी अच्छी क्षमता होती है, ठीक है, तो इनको हम लोग अच्छे से स्टिल कर सकते हैं। सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ रबी एंड खारिफ क्रॉप्स, ठीक है, बहुत सारी खारिफ, लगभग सारी क्रॉप्स, क्रॉप टाइप्स इस पर ग्रो कर जाती हैं। मेजर क्रॉप्स की अगर बात करें तो राइस, वीट, शुगर केन, कॉटन, टोबैको, ग्राम, ऑयल सीड्स, कोई भी दो या तीन आपको याद करनी है और वहाँ पर पूछा जाएगा तो लिखनी है, ठीक। बट यहाँ पर एक चीज़ हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि टू फूड क्रॉप्स ग्रोन इन एलुवियल सॉइल या टू कैश क्रॉप्स ग्रोन इन एलुवियल सॉइल। तो फूड क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जिनको हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, फूड क्रॉप्स, ठीक। तो खाने के लिए कौन कौन सी क्रॉप इस्तेमाल करेंगे, राइस, वीट, ठीक, ग्राम, ठीक, तो इन सब खाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो दीज आर फूड क्रॉप्स। और दूसरी क्रॉप्स होती हैं जो हम लोग कैश क्रॉप्स होती हैं, जिनको हम लोग कमर्शियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल ग्रो करते हैं, तो उसमें कॉटन हो जाएगा, टोबैको हो जाएगा, ऑयल सीड्स हो जाएंगे, ऑयल सीड्स और शुगर केन तो दोनों में ही आता है, ठीक। लेकिन आपको ये अवॉइड करना है कि ऐसी क्रॉप जो दोनों में काउंट होती हैं, ऐसे शुगर केन है तो उसको लोग कच्चा भी खाते हैं, जूस भी पीते हैं इसका, और इसका शुगर शुगर ही बनता है, तो दोनों तरीके से यूज़ होती हैं, फूड और कैश दोनों। तो ऐसे टाइप की क्रॉप्स को आपको अवॉइड करना है जो दोनों टाइप में यूज़ होती हूँ, गॉट इट, ओके। तो ये बात की हम लोगों ने एलुवियल सॉइल के, एलुवियल सॉइल में बेसिकली रीजन टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं, और खादर और भांगर तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा जाता है। नेक्स्ट इज ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल इज नोन एज ब्लैक, इट इज ब्लैक इन कलर, काले रंग की होती है, इसलिए इसको ब्लैक सॉइल बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज रेगर, रेगर क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज रेगर का मतलब होता है अब रिच ब्लैक लोम, रिच ब्लैक लोम मतलब एक ब्लैक कलर का फर्टाइल सॉइल, ठीक, और इट इज नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल।
इट इज़ डार्क इन कलर एंड इट इज सुटेबल फॉर कॉटन कल्टिवेशन. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज सुटेबल फॉर कॉटन कल्टिवेशन. सॉइल इज रेसिडुअल सॉइल, दैट इज इट इज फॉर्म एट द प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन ओवर द अंडरलाइंग रॉक्स. ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि रेसिडुअल सॉइल या इनसिटू सॉइल जहाँ पर ओरिजिन हुआ है. जैसे ये वॉल्केनिक ओरिजिन की होते हैं जनरली, जो ब्लैक सॉइल्स होते हैं ये वॉल्केनिक ओरिजिन की होती हैं. ठीक, जो वॉल्केनो से लावा निकलता है वो सॉलिडिफाई होता है, फिर उसका डेनुडेशन. डेनुडेशन क्या होता है? डेनुडेशन इज अ प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन. ठीक, तो वेदरिंग और इरोजन होता है उन वॉल्केनिक रॉक्स का, तब वो सॉइल बनती है, इसलिए इसको हम लोग लावा सॉइल भी बोलते हैं. ठीक, सो ब्लैक सॉइल को हम लोग क्या क्या बोलते हैं? ब्लैक सॉइल इज नोन एज रेगर सॉइल, ब्लैक सॉइल इज नोन एज लावा सॉइल, ब्लैक सॉइल इज नोन एज रेसिडुअल सॉइल एंड ब्लैक सॉइल इज नोन एज इन सिटू सॉइल. ठीक, इन सिटू और ब्लैक रेसिडुअल सॉइल की बोलते हैं बिकॉज जहाँ पर ओरिजिन होती है वहीं पर पाई जाती है. गॉट इट? नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन. रेगर सॉइल एज कंसिडर ओवर डेक्कन लावा ट्रैक. डेक्कन प्लेटू में सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल पाई जाती है. ठीक, कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेट में? सबसे इंपॉर्टेंट महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्रा, कर्नाटका, राजस्थान और कुछ पोर्शन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु. ठीक, तो कोई भी मेजर तीन चार स्टेट्स, महाराष्ट्र, MP, गुजरात और आंध्रा, इन चारों को याद कर लीजिएगा और आंसर में लिख दीजिएगा. नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स. इट्स फाइन टेक्सचर्ड एंड क्ले इन नेचर. बहुत ही फाइन होती है और क्ले नेचर की होती है. ठीक है, चिकनी मिट्टी की तरह होती है. हाई क्वान्टिटीज ऑफ लाइम, आयरन, मैग्नीशियम एंड पुअर परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर. बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हर सॉइल की याद करनी पड़ेगी. इट इज़ ब्लैक इन कलर एज इट इज़ फॉर्म फ्रॉम वेदर्ड लावा रॉक. लावा रॉक्स, लावा रॉक से बनी इसलिए इसका कलर ब्लैक होता है. गॉट इट? बहुत ही क्ले ही होती है. अप टू 50% ऑफ क्ले कंटेंट, 50% तक इसमें क्ले कंटेंट होता है. सो जो क्ले होता है, क्ले जो चिकनी मिट्टी होती है, क्ले चिकनी मिट्टी जैसे मूर्तियाँ बनती हैं, आइडल्स बनते हैं. सो जिनसे जो चिकनी मिट्टी होती है ये काफ़ी इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट रिटेन करने का बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है. ठीक, कभी अगर आपने यूज़ किया हो क्ले सॉइल तो उसमें आप देखते हैं चिकनी मिट्टी क्यों होती है, बिकॉज उसके अंदर पानी बहुत एब्जॉर्ब करती है. ठीक, तो बिकॉज ये क्ले सॉइल है तो इसके अंदर वाटर रिटेंटिव कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है. ठीक, हाई क्ले कंटेंट होता है, इसकी वजह से सॉइल एक्सपैंड व्हेन वेट एंड बिकम डिफिकल्ट टू प्लो. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि क्यों ब्लैक सॉइल्स आर डिफिकल्ट टू प्लो, बिकॉज दे हैव हाई परसेंटेज ऑफ क्ले. सो जब इनके अंदर पानी भरता है, जब इनके अंदर पानी डालते हैं तो ये एक्सपैंड कर जाते हैं. ठीक, और क्ले में जब पानी डालते हैं तो वो देखते हैं कैसे कैसे डिफिकल्ट टू टिल हो जाती है. ड्राई सीजन में क्या होता है? ये तो वेट सीजन की बात होगी. ब्लैक सॉइल श्रिंक एंड डेवलप बिग क्रैक्स विच हेल्प्स इन एयर सर्कुलेशन. ड्राई सीजन में क्या होता है? जो ब्लैक सॉइल है ये श्रिंक कर जाते हैं और बड़े बड़े क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं जिसकी वजह से एयर सर्कुलेशन हो पाता है. वेरी फर्टाइल इन मोस्ट ऑफ द प्लेस. ज़्यादातर ये हर जगह फर्टाइल होती है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है. मेन क्रॉप्स कॉटन, बहुत इंपॉर्टेंट. सीरियल्स, ऑयल सीड्स, सिट्रस फ्रूट्स, शुगर केन, ये कोई भी दो तीन क्रॉप्स आपको याद करके इसमें लिखनी है. मॉइस्चर रिटेंटिवनेस ऑफ द सॉइल मेक्स इट सुटेबल फॉर ड्राई फार्मिंग. ठीक, ड्राई फार्मिंग एक तरीका होता है जिसमें पानी कम इस्तेमाल किया जाए. तो अगर मॉइस्चर ज़्यादा रिटेंट करेगी ये, तो इसका मतलब इसमें हमें पानी कम इस्तेमाल करना पड़ेगा. सो जो इसकी याली प्रॉपर्टी होती है, इसमें हम लोग ये देखते हैं कि पानी ज़्यादा रोक सकती है, सोख सकती है, तो इसमें इस वजह से इसको हम लोग ड्राई फार्मिंग में यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ रेड सॉइल. रेड सॉइल कैसे बनती है? इट डेवलप्स ऑन ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स, पुराने क्रिस्टलाइन रॉक्स पे. अंडर प्रोलॉन्ग वेदरिंग बाय रेनफॉल, एंशियंट क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू ब्रेक अप टू फॉर्म दिस सॉइल. तो मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन से रॉक्स होते हैं? देखिए, तीन टाइप के रॉक्स होते हैं, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक और इग्नियस. तो जब सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स पे काफ़ी प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशंस पड़ते हैं, उसकी वजह से वो रॉक्स चेंज हो जाते हैं कैसे मेटामॉर्फिक रॉक्स में. सो कुल मिला के ये देखिए, रेड सॉइल जो बनती है दैट आर फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक्स. अलग अलग जगह पे अलग टाइप के सॉइल्स होते हैं बिकॉज ये रेड सॉइल्स हैं, बिकॉज ये मेटामॉर्फिक रॉक से बनती हैं. तो मान लीजिए एक जगह कोई और मेटामॉर्फिक रॉक मिल रहा है, एक जगह कोई और मेटामॉर्फिक रॉक मिल रहा है, तो जो पेरेंट रॉक मटेरियल होता है उसके हिसाब से अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की रेड सॉइल पाई जाती है. ठीक, बिकॉज ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स की इरोजन वेदरिंग होती है ड्यू टू रेनफॉल या टेम्परेचर कंडीशंस की वजह से होता है, तो हर जगह का पेरेंट रॉक भी वेरी करेगा. ठीक है, तो हर जगह का पेरेंट रॉक भी हमारा वेरी करेगा और हर जगह का हमारा क्लाइमेटिक कंडीशंस भी वेरी करेंगी. ठीक, इस वजह से ये अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप की पाई जाती है. रेड क्यों है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, बिकॉज इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड्स.
ठीक, इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड बिकॉज दैट्स वाई इट इज रेड इन कलर. कहीं पर कहीं कहीं पर ये ब्राउन और ग्रे कलर की भी दिखती है और इट लुक्स येलो वेन दे अकर इन हाइड्रेटेड फॉर्म. ठीक, और जब रेड सॉइल में जब पानी आ जाता है, पानी पड़ जाता है, तो इट इज इट लुक्स येलो. सो कहीं कहीं आप लोग देखेंगे कहीं कहीं बुक्स में रेड सॉइल ऑब्लिक येलो सॉइल भी लिखा रहता है. ठीक है, तो येलो सॉइल इज ओनली द हाइड्रेटेड वर्जन ऑफ रेड सॉइल. कहाँ कहाँ मिलती है रेड सॉइल? फ्रॉम द सेकेंड लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप इंडिया. लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप कौन सा था? एलुवियल सॉइल. सेकेंड लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप इंडिया का है और ज़्यादातर प्लेट्यू रीजन ऑफ तमिलनाडु, जितने भी प्लेट्यू रीजन है इंडिया का वहाँ पर पाया जाता है. स्टार्टिंग फ्रॉम बुंदेलखंड टू तमिलनाडु और राजमहल हिल्स टू कच्छ, मतलब पूरे पोर्शन में अगर हम लोग मैप में देखें तो ये देखिए, ये जो पूरा पोर्शन है हमारा रेड सॉइल का, ये हमारा क्या है, ये बुंदेलखंड वाला रीजन है. ठीक, और ये राजमहल हिल्स हैं और ये पूरा तमिलनाडु है और ये इधर गुजरात वाला पोर्शन. ठीक, तो ये देख रहे हैं आप लोग सब पूरा ये रेड सॉइल वाला पोर्शन देखने को मिल रहा है. और ये ब्लैक सॉइल है जो कि हमारी ये डेक्कन ट्रैप में पाई जाती है. ठीक है, तो कौन कौन से स्टेट्स आपको लिखने हैं? तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, साउथ ईस्टर्न महाराष्ट्र, पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बुंदेलखंड. बुंदेलखंड इज नॉट अ स्टेट, उसको आपको नहीं लिखना है. मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, तेलंगाना एंड नागालैंड. तो कोई मिला के कोई भी तीन चार स्टेट्स आपको याद करने हैं और इसमें लिखने होंगे. प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें या कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो इट इज़ पोरस एंड हैज़ हाई परसेंटेज ऑफ आयरन ऑक्साइड. आयरन ऑक्साइड की ज़्यादा परसेंटेज होती है, रेड सॉइल होती है. इट इज़ जनरली शैलो एंड इट्स पी एच वैल्यू इज 6.6 to 8, मतलब ये बेसिक सॉइल, इट इज़ अ बेसिक सॉइल. ठीक, इट इज़ लूज एंड एरेटेड. इसमें इसमें हवा होती है, मतलब अगर ये लूज है तो एरेटेड भी होगी. अगर बिकॉज क्रैक्स डेवलप्ड है, सॉइल लूज है तो उसमें क्रैक्स होंगे, और क्रैक्स होंगे तो हवा जाएगी, हवा जाएगी तो वो एरेटेड हो जाएगी. एरेटेड मतलब होता है उसके अंदर हवा होना. नेक्स्ट, इट इज़ पुअर इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड ऑर्गेनिक मैटर. इट इज़ आइडियल फॉर ड्राई फार्मिंग एंड एज इट इज़ फॉर्मिंग पुअर रेनफॉल एरियाज. तो जहाँ जहाँ पर रेनफॉल्स कम होते हैं वहाँ वहाँ पर इस पर ड्राई फार्मिंग करी जा सकती है. फर्टाइल नहीं होती है सॉइल ज़्यादा, लेकिन ये फर्टिलाइजर्स को ऐड करने पे ये सॉइल फर्टाइल बनाई जा सकती है. कल्टिवेशन के लिए इरीगेशन चाहिए होता है और इसमें कुछ सॉल्युबल सॉइल्स भी प्रेजेंट होते हैं. तो कोई भी चार कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद करनी है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि केमिकल कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको हर की याद करनी पड़ेगी. कौन कौन सी क्रॉप डेवलप होती हैं इसमें? वेजिटेबल्स, पैडी, रागी, टोबैको, ग्राउंडनट्स एंड पोटैटो. ठीक है, कोई भी तीन से चार क्रॉप्स आपको याद करनी. नेक्स्ट इज एंड लास्ट इज लैटराइट सॉइल. आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक्स अंडर कंडीशंस ऑफ हाई रेनफॉल और टेम्परेचर विद ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई स्पेल्स. बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा एज इट इज लिखना पड़ेगा. रॉक्स की वेदरिंग पे की वजह से लैटराइट सॉइल्स बनती हैं और ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड्स, मतलब ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड्स क्या होते हैं कि एक सीजन है वेट सीजन है, फिर अगली बार ड्राई सीजन आएगा, फिर वेट सीजन, फिर ड्राई सीजन, मतलब ऑल्टरनेटली वेट एंड ड्राई सीजन आ रहे हैं, इसकी वजह से लैटराइट सॉइल बनती है. दीज दे आर रेसिडुअल्स आर फॉर्म बाय लीचिंग. बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, डेफिनेशन नहीं पूछा जाता है और पूछा जाता है हाउ लैटराइट सॉइल आर फॉर्म, तो जस्ट राइट लीचिंग. ठीक, ड्यू टू ट्रॉपिकल रेन्स. तो कुल मिला के जहाँ पर रेन ज़्यादा हो रही होगी वहाँ पर ये लैटराइट सॉइल पाई जाएगी. लीचिंग इज अ प्रोसेस. लीचिंग होता क्या है? लीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच न्यूट्रिएंट गेट्स परकोलेटेड डाउन बिलो द सॉइल ड्यू टू हैवी रेनफॉल, दिस लीविंग अ टॉप सॉइल इनफर्टाइल. दिस इज नोन एज डीसिल्केशन. होता क्या बेसिकली लीचिंग में, मान लीजिए अगर ये सॉइल है, ठीक, और ये हमने कैपिलरी बना दी. ठीक है, कैपिलरी इफेक्ट ही बोलते हैं इसको. तो बेसिकली क्या होता है, जब बारिश ज़्यादा हो रही है, ठीक, तो ये जो ऊपर फाइन पार्टिकल्स होंगे जो रिच इन न्यूट्रिएंट्स होंगे, जब ज़्यादा रेनफॉल हो रही है किसी जगह पर, पर्टिकुलर हैवी रेनफॉल हो रही है, तो वहाँ पर जो ये लूज मटेरियल्स होंगे, ये फर्टाइल मटेरियल्स होंगे, वो नीचे परकोलेट कर जाएंगे सॉइल के. दिस विल परकोलेट डाउन इन टू द सॉइल. और जब ऊपर वाले ये अच्छे पार्टिकल, जो फर्टाइल पार्टिकल नीचे परकोलेट कर जाएंगे, तो यहाँ पर ऊपर का जो पार्ट है यहाँ पर कोई भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे, बिकॉज सारे तो नीचे चले गए. सो इस वजह से जो टॉप लेयर है वो इनफर्टाइल हो जाएगी, वहाँ पर अब सॉइल खेती करने लायक नहीं बचेगी. ठीक, तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं लीचिंग या डिसिल्केशन. ठीक, ड्यू टू हैवी रेन्स लाइम एंड सिलिका लीच्ड अवे एंड एल्युमिनियम कंपाउंड्स आर लेफ्ट बिहाइंड. जो मेन पार्ट होता है लाइम और सिलिका वो तो नीचे चला गया, ऊपर क्या बचा? एल्युमिनियम के कंपाउंड्स. ह्यूमस कंटेंट ऑफ सॉइल इज ऑल्सो रिमूव्ड बाय बैक्टीरिया दैट सर्वाइव्स वेल इन हाई टेम्परेचर. ह्यूमस कंटेंट भी यहाँ से चला जाता है. ठीक,
सो इस वजह से यहाँ पर ज़्यादातर खेती बाड़ी नहीं हो पाती है, बिकॉज जो टॉप लेयर है जहाँ पर मेन हमारा सॉइल के पार्टिकल से फर्टिलिटी है, वो चली गई नीचे। ठीक, दो टाइप की लैटराइट सॉइल पाई जाती है, एक अपलैंड लैटराइट्स एंड सेकेंड इज लोअर लैंड लैटराइट्स। अपलैंड लैटराइट्स वो होते हैं जो हिल्स और अपलैंड्स के ऊपर पार्ट से पाए जाते हैं। ठीक, और लोअर लैंड लैटराइट्स क्या होते हैं, जो अपलैंड में जो पाए जाते हैं वो जब स्ट्रीम्स के द्वारा नीचे चले जाते हैं, दैट इज लोअर लैंड लैटराइट। मान लीजिए ये एक अपलैंड है और यहाँ पर अपलैंड लैटराइट सॉइल मिल रही है। अब यहाँ पर नदी आएगी किसी सीजन में, तो ये जितनी भी लैटराइट सॉइल है यहाँ पर ले जा करके यहाँ पर डिपॉजिट कर देगी लो लैंड में। ठीक, तो ये है अपलैंड लैटराइट और ये है लो लैंड लैटराइट। ठीक, ये ट्रांसपोर्टेड ओरिजिन की है, इट इज़ ऑफ ट्रांसपोर्टेड ओरिजिन, और दिस इज़ ऑफ इंसिटू ओरिजिन। कहाँ कहाँ पाई जाती है, ज़्यादातर पहाड़ों में पाई जाएगी, हाईलैंड एरियाज ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक, समिट्स ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स एंड अदर हिल्स। कौन कौन से स्टेट्स में पाई जाती है, पैचेस ऑफ मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्रा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। मध्य प्रदेश अगर आप भूल भी जाएँ तो पैचेस ऑफ उड़ीसा, मतलब जितने भी कोस्टल एरियाज हैं उनके पैचेस में या उनके समिट, जो वहाँ पर माउंटेन्स हैं उनके समिट्स में ये पाई जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें अगर, इट इज़ ऑफ अ कोर्स टेक्सचर, दरदरी होती है, सॉफ्ट एंड फ्रायबल। कोर्स का मतलब होता है उसके पार्टिकल्स थोड़े से मोटे होते हैं। ठीक, रेड होता है बिकॉज इट इज़ ऑल्सो रेड इन कलर ड्यू टू इट इज़ ए प्रेजेंट ऑफ, इसमें क्या प्रेजेंस होती है, आयरन ऑक्साइड, डैट इज फॉर्म ड्यू टू लीचिंग। जो सॉल्युबल प्लांट फूड्स होते हैं जैसे पोटैश, ये टॉप सॉइल से रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से टॉप सॉइल में सिर्फ एलुमिना और आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होती है। ठीक, इट इज़ अ पोरस सॉइल, सिलिका इज रिमूव्ड, इट इज़ पुअर इन लाइम एंड मैग्नीशियम एंड डिफिशियंट इन नाइट्रोजन। तो कोई भी इनके अंदर फर्टाइल चीज़ें नहीं प्रेजेंट होती हैं, तो इट डज़ नॉट रिटेन मॉइस्चर, इनमें मॉइस्चर नहीं होता है और इट इज़ नॉट फर्टाइल। कुछ स्पेशल क्रॉप्स ही यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि टेपोइका होता है, कैशू नट्स, टी, कॉफ़ी एक्सेट्रा। तो अब देखते हैं कि टी और कॉफ़ी वगैरह ना हिल स्लोप से ग्रो की जाती है। ठीक, वाई, बिकॉज वहाँ पर लैटराइट सॉइल है और वो टी कॉफ़ी को सपोर्ट करती है। इट इज़ एसिडिक इन नेचर क्योंकि एल्कलीज लीच हो चुके हैं, एल्कलीज जा चुके हैं, तो इसमें सिर्फ एसिड्स बचते हैं। और सबसे ज़्यादा ये जो सॉइल है, इट इज़ बेस्ट सुटेबल फॉर बिल्डिंग पर्पजेज, जो बिल्डिंग ब्रिक्स बनते हैं या बिल्डिंग के लिए मटेरियल यूज होता है उसके लिए लैटराइट सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं इसमें हम लोग, एज अ लैटराइट सॉइल हैव लो फर्टिलिटी बिकॉज ऑफ हाई एसिडिटी एंड लो मॉइस्चर रिटेंशन, मैन्यूरिंग एक्टिविटीज़ आर रिक्वायर्ड टू मेक दम सुटेबल। इसे मैन्योर्स, फर्टिलाइजर डालने पड़ते हैं तब जाके इसमें क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। मेन क्रॉप्स कौन सी ग्रो हो सकती हैं, रागी, राइस, शुगर केन, पैडी, ठीक, और टी, सिनकना, रबर, कॉफ़ी, इन सबको हायर एलिवेशन पे ग्रो करते हैं। सो कुल मिला के लैटराइट सॉइल ने क्या देखा कि इसे हम लोग मैप देखते हैं अब एक बार। तो कुल मिला के हम देखें तो लैटराइट सॉइल आप कहाँ पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ईस्टर्न घाट्स के स्लोप्स पे, ये वेस्टर्न घाट्स के हिल्स पे, ठीक, यहाँ पर नीलगिरी हिल्स यहाँ पर। सो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि जो सॉइल्स हैं ज़्यादातर ये जहाँ पर हैवी रेनफॉल हो रही है हिली स्लोप्स पे पाई जाती है। ठीक, तो कुल मिला के हम लोग ने ये देखा कि सारी चारों टाइप ऑफ सॉइल्स, कौन कौन सी सॉइल्स इंडिया में पाई जाती हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनती है एक्सेट्रा। मैंने आपको बताया था पहले ही कि इनमें चार टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं सॉइल्स के ऊपर, गिव रीजंस, सेकेंडली कहाँ सॉइल पाई जाती हैं, कैसे सॉइल बनती हैं, मेजर क्रॉप्स और कैरेक्टरिस्टिक। इन्हीं सबसे के अलावा और कुछ पूछा नहीं आता है, हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें क्वेश्चंस, तब हम लोग देखेंगे क्या कैसे क्या पूछा गया। तो इस वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया सॉइल टाइप्स और डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉइल इरोजन और कंजर्वेशन को पढ़ेंगे। ओके, और आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज दोनों से जुड़िए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों पेजेस, बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा, बहुत ही यूनिक और बहुत ही इंटरेक्टिव कंटेंट आपको मिलेगा। प्लीज़ आप उसे ज्वाइन होइए, बहुत मज़ा आएगा आपको वहाँ पर, और चैनल को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।